अस्सलाम वालेकुम, कुकिंग विद कियानी में है आपका बहुत सारा वेलकम। और मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप लोगों के रोज़े जो हैं बहुत अच्छे से गुजर रहे होंगे और मज़े मज़े के खाने जो हैं वो इंजॉय भी हो रहे होंगे और बहुत सारी इबादतें भी हो रही होंगी। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि तकरीबन 10 o'clock हो चुके हैं और अफ्तारी के बाद जो है लग गई थी भूख। और ऐसा होता है कभी कभी कि हम जो अफ्तारी में ज़्यादा खाना नहीं खाते या खा भी लेते हैं तो फिर भी भूख लग जाती है रात को, और रमज़ान में तो ख़ास तौर पर ऐसा होता है। तो बस फिर हम लोग ने आज के दिन जाना था बाहर, ग्रोसरी भी लेनी थी, तो हमने कहा चलो हम कबाब भी ले लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं कितनी कम चीज़ें मैंने ली हैं, इसके बावजूद इतना ज़्यादा बिल बन गया। तो मैं बिल्कुल हैरान थी, मैंने कहा कि हम तो जब होते थे, मतलब पुराने वक्त की बात करें, कि पूरे महीने का सामान, यानी कि एक बड़ी फैमिली है उसके लिए सामान ले लेते थे तो तब भी इतना बिल नहीं बनता था, और अब तो कुछ लिया ही नहीं और इतना बिल बन गया, बिल्कुल हैरानी हो रही थी, यकीन नहीं हो रहा था। मगर आप सबको पता है कि महंगाई कितनी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जैसे कि आजकल जो भी मतलब पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह जो भी चल रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कुछ चेंजेस आ जाएं और महंगाई ज़रा कम हो जाए। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं जो है अपना व्लॉग इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ ये भी शेयर कर रही हूँ कि मैंने सहरी में क्या खाया और अफ्तारी में भी क्या प्रिपरेशन हो रही हैं। आज के दिन दावत का व्लॉग नहीं है, वो कल का व्लॉग है और मैं आपके साथ ज़रूर करूँगी शेयर। तो बस अभी मैं पकौड़े बना रही हूँ और पकौड़ों के साथ जो है मैं बनाऊँगी फ्राइज़, और मुझे अच्छे लगते हैं फ्राइज़ और पकौड़े, ये दोनों चीज़ें मुझे अफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप लोग ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने बेसन और गरम मसाला वगैरह फ्रिज में क्यों रखा हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, फ्रिज में इसलिए रखा है जो कि मौसम हो रहा है चेंज, और मौसम जब चेंज होता है तो कीड़े आ जाते हैं, इवन के मैंने रेड चिल्ली, आप सोच सकते हैं रेड चिल्ली के अंदर कीड़े पड़ जाएँ, हाँ ऐसे मैंने देखा है। तो फिर क्या है कि हम लोग तकरीबन जो भी मसाले वगैरह हैं, ये बेसन है, ये सब हम फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रखने से ये होता है कि ये ठंडे रहते हैं और इनको अंदर जो है कीड़े नहीं पड़ते। और ऐसा नहीं है कि आप जो है इन्हें मसाले वगैरह को फ्रिज में रखेंगे तो ये गीले हो जाएंगे, नहीं, बल्कि अच्छे से ये स्टोर हो जाएंगे, सेफ़ रहेंगे और कीड़े भी नहीं पड़ेंगे। और एक तरह से ये हैक भी है, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आपकी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है। तो तकरीबन बस पकोड़े होने वाले हैं रेडी, और पकोड़े जैसे रेडी हो जाएंगे मैं जो हैं फ्राइज जो हैं उनको भी कर लूँगी फ्राई। तो बस फ्राइज़ के लिए यह है कि मैं इन्हें कट कर लेती हूँ, कट करने के बाद जो है इस सॉल्ट ऐड करके पानी में थोड़ी देर बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने से ये होता है थोड़े से सॉफ्ट होता नहीं है, नहीं कि बिल्कुल मैश होने वाले पोटैटोस बन जाए, बिल्कुल ऐसे नहीं, इसको हल्का सा जो है आपने करना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या ईजी होता है, एक तो बात यह है कि ये ऑयल जो है ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, मतलब कि पोटैटोस के अंदर पहले से ऑलरेडी पानी जो है वो अब्ज़र्ब हो चुका है और वो ऑयल ज़्यादा अब्ज़र्ब नहीं करेगा, और उसके अलावा ये कि ये ईज़िली जल्दी बन जाते हैं, क्विक होते हैं, और आप चाहें तो इसके ऊपर जो है कुछ कोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, ब्रेड क्रम्स वगैरह या कुछ भी आपको पसंद है वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही रखती हूँ जो कि मुझे सिंपल ज़्यादा पसंद है। अफ्तारी में दो चीज़ें तो सबसे ज़्यादा अहम होती हैं, एक पकोड़े और एक रूह अफज़ा। वैसे टैंक भी पड़ा हुआ था ऑरेंज वाला,
मगर मैंने कहा कि नहीं, मैं यही बना लेती हूँ, जो कि जब गेस्ट आते हैं तो चलो तब बना लेंगे ऑरेंज टैंग और रूह अफ़ज़ा की तो अपनी ही बात है। और ये जब पीते हैं अफ्तारी में बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे जाम शीरी भी हैं मगर उसका टेस्ट मुझे ज़रा नहीं पसंद, तो बस फिर ऐसे ही बस तैयार हो गया ये। और ये आज की हमारी बहुत ही सिंपल सी अफ्तारी। ज़रूरी नहीं है कि आप अफ्तारी में बहुत सारी चीज़ें बना लें, बहुत सारी डिशेस बनाएं तो तभी आपका रोज़ा जो है वो कबूल होगा। आप सिंपल चीज़ें बना के भी अफ्तारी अपनी कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी एक थिंकिंग होती है कि भाई अच्छी चीज़ बनी है तो हम रोज़ा रखेंगे, अगर नहीं बनी तो हम रोज़ा नहीं रखेंगे। तो मैं इस बात से भी एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि रोज़ा जो है वो खाने के लिए नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है अल्लाह से इबादत करने के लिए। और एक ऐसा महीना, मतलब अगर साइंटिफिक तरीके से भी देखा जाए तो आजकल तो मतलब ये बात की जाती है कि साल में एक दफ़ा फास्टिंग करनी चाहिए, जो कैंसर के जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके अलावा अगर इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखें तो ये एक रहमत का महीना है, जिसके अंदर जो है बहुत सारा अजर, बहुत सारा सवाब और बहुत सारी रहमतें हैं। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।